जो अभी कल पंचायत चुनाव के नतीजे आए हैं, मुझे लगता है कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के लिए बड़े उत्साह हो रहे हैं और हमारे काफ़ी कैंडिडेट जो हैं पूरे प्रदेश के अंदर जीते हैं। और भाजपा के नतीजे तो आप सब लोगों ने देखा ही है कि जिस तरह से जो सांसद हैं नायब सैनी जी, उनकी खुद की धर्मपत्नी हार गई, खुद आपके यहाँ से कोसली जो पूर्व मंत्री रहे थे उनकी धर्मपत्नी हार गई, और 10 की 10 सीटें वो लोग पंचकुला के अंदर हार गए, अम्बाला में उनकी बहुत बड़ी हार हुई है। जिन जिन जगहों के ऊपर ये लोग सिंबल पे लड़े थे, आपने सिरसा का नतीजा देखा हो, हिसार का देखा हो, जहाँ इन्होंने सिंबल पे लड़ाई लड़ी उनको करारी शिकस्त वहाँ पर मिली है। अपने पटौदी के अंदर भी 9 नंबर वार्ड के अंदर जहाँ चेयरमैन की टिकट इन्होंने दी थी, वहाँ से भी एक निर्दलीय वहाँ से जीत कर आया है। इसे साफ तौर पर चलता है कि लोगों ने भाजपा को नकारने का काम इस चुनाव के अंदर किया है, और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की तरफ जो रुझान है वो लोगों का बढ़ रहा है। हमारे यहाँ भी जो नतीजे रेवाड़ी ज़िले के अंदर आए हैं वो बहुत अच्छे रहे हैं, और काफ़ी हमारे समर्थक ब्लॉक में भी और जिला परिषद के अंदर भी जीत के आए जैसा कि हैं। पंचायत चुनाव हो चुके हैं, जिला परिषद की जिला प्रमुख की बात आती है, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस समर्थित जीते हैं, तो माना जाए कि कांग्रेस समर्थित जिला प्रमुख बनाया जाएगा अभी? देखिए, अभी तो सब लोगों से हम चर्चा करेंगे, कुछ लोग दीपेंद्र हुड्डा जी के भी जीत के आए, उनसे भी चर्चा करके, और जो लोग जीत के आए हैं हम सब लोग मिलके, क्योंकि आपको पता है कल ही तो नतीजे आए हैं, अब सब लोग लगे हुए हैं, कोई अपना लोगों का धन्यवाद कर रहे हैं, तो 1-2 दिन के बाद सब लोग हम मिलके बैठक करेंगे, और कोशिश ये रहेगी कि जिला प्रमुख हमारा बने, और ब्लॉक समिति के भी काफ़ी मेंबर हमारे जो हैं वो मैक्सिमम जीत कर आए हैं, तो इन दोनों चीज़ों के ऊपर हम लोग आने वाले समय में ध्यान देंगे। राव समर्थक बहुत सारे जो उम्मीदवार मैदान में थे, लगभग उनमें से कोई भी चुनाव नहीं जीत पाया, क्या प्रतिक्रिया मिली? देखिए, लोगों ने राव इंद्रजीत जी के जितने भी समर्थक जो लड़े थे उनको नकारने का काम यहाँ की जनता ने किया है। जो लोग स्वयं लोगों के बीच में नहीं रहते हैं, कभी लोगों के सुख दुख में नहीं रहते हैं, अब लोग उनको समझ चुके हैं, और उसी का नतीजा ये रहा है कि जो अब चुनाव ये हुए हैं वहाँ पर हर जगह इनके समर्थकों को हार्दिक का मुंह देखना पड़ा है। और मुझे लगता है अब लोग आने वाले समय के अंदर जब लोकसभा और विधानसभा के चुनाव आएंगे तब भी इनको सबक सिखाने का काम करेंगे। अभी कल परसों मैं एक स्टेटमेंट पढ़ रहा था राव इंद्रजीत जी की, उसमें वो ये बात कह रहे थे कि मेरी जो बेटी है वो मेरी नहीं सुनती है। जब उनकी बेटी उनकी नहीं सुनती है तो यहाँ की जनता उनकी बात क्यों सुनेगी? तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आज समय ऐसा आ गया है कि जो लोग लोगों के बीच में रहेंगे, उनके सुख दुख में उनका साथ देंगे, उन्हीं को आने वाले समय में लोग चुनकर भेजेंगे और अपनी बात वहाँ रखी जाएगी। देखिए, आप भाजपा के अंदर देख ही रहे हैं, दिनों दिन जो उनका कद है, पहले भी ज़्यादा बड़ा नहीं था, पर अब कहीं ना कहीं बीजेपी उनके पर काटने लग रही है। पिछले दिनों में भूपेंद्र यादव जी को केंद्र के अंदर मंत्री बनाया गया, और जिस तरह से सुधा यादव जी को इतनी बड़ी पोस्ट जो दी गई भाजपा के द्वारा, उससे कहीं ना कहीं भाजपा जो है धीरे धीरे इनका जो कद है वो कम करती जा रही है। और मेरा ये मानना है स्वयं कि अब की बार हो सकता है भाजपा इनको टिकट ही ना दे और किसी नई उम्मीदवार को वहाँ से उतारे। उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, किरण चौधरी जी हमारी पार्टी से पुराने समय से जुड़ी हुई हैं, और सुरेंद्र यादव जी भी कांग्रेस पार्टी के अंदर रहे, और ये जब दिल्ली में राजनीति करती थी तब भी कांग्रेस में ही थी, तो मुझे लगता है इनका बड़ा पुराना नाता कांग्रेस पार्टी से है, कांग्रेस पार्टी के साथ ये रहेंगे, और मुझे लगता है हम सब लोगों को मिलकर कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का काम करना चाहिए। 3 मंत्रियों का जो मामला इन दिनों हरियाणा में सुर्खियों में है, उसको लेकर क्या प्रतिक्रिया रहेगी? जिस तरीके से दिल्ली दरबार में एक रिपोर्ट भी मुख्यमंत्री की तरफ से दी गई है और फिर बदल की अटकलों का जोर जो है एक तरह से कहीं चल रहा है, क्या? देखिए, पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान भी आप लोगों ने देखा होगा कि पूरा जो मंत्रिमंडल था खट्टर सरकार का, वो सारे चुनाव हार गए थे, और यही हाल आज जो है इन मंत्रियों का है, तो हमें कोई ज़्यादा आश्चर्य नहीं होगा अगर ये मंत्री पद में बदलाव करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर इनके जो मंत्री हैं वो लोगों के बीच में नहीं रहते, इनके अपने कार्यकर्ता जो लगातार है इनके आरोप लगाते हैं कि इनकी बात नहीं सुनी जाती, लोगों के बीच में नहीं रहते, और हमने तो यहाँ तक सुना है कि भाई जो इनका पूरा मंत्रिमंडल है उसके अंदर ये बदलाव करने जा रहे हैं, और जहाँ तक गठबंधन की बात है गठबंधन के अंदर भी रोज़ आप देख रहे हैं नई नई इनकी जो गांठ हैं वो बनती जा रही हैं, और मुझे लगता नहीं कि इनका गठबंधन भी ज़्यादा लंबे समय तक चलेगा। चारे का मामला इन दिनों काफ़ी जो है सुर्खियों में है, हरबड़ा गौशाला की बात कर ले, आपकी तरफ से चारा भिजवाना पड़ा, चारे की बड़ी एक संकट वहाँ पर देखा गया, क्या मानते हैं जिला प्रशासन की तरफ से या सरकार की ओर से, क्या? देखिए, मेरा तो यही कहना है कि भाजपा जो है हमेशा गाय के ऊपर राजनीति करती है, और गाय हमारी माता है, और उसको
मुझे लगता है कहीं ना कहीं 4 दिन तक चारा ना मिल पाना ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, और सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए था कि भाई क्या कारण रहे कि किस वजह से उनको समय पे उपलब्ध नहीं किया गया। क्योंकि जब ये सरकार ने स्वयं ये गौशाला बनाई है तो जिम्मेदारी यहाँ के जिला प्रशासन की बनती है कि क्यों वहाँ पर 4 दिन तक चारा नहीं पहुँचा। हमने भी अपनी तरफ से चारा वहाँ पर पहुँचाया और सहयोग किया, और आने वाले समय के अंदर जब भी वो मदद के लिए कहेंगे उनकी मदद हम हर संभव जो होगी करेंगे।